अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मैं बना रही हूँ पाकिस्तानी चिकन, जिसे आप बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो एक पैन को गर्म कर ली हूँ, इसमें डाल दी हूँ 4 बड़े चम्मच के करीब में देसी घी। तो मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1.5 बड़े चम्मच के करीब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ और इसे हल्का सा भून लूँगी। तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है हमें इसे, तो भून लूँगी लगभग 1 मिनट तक मीडियम आंच में। और अब मैं डाल दूँगी इसमें 1 किलो चिकन, जिसे मैं धोकर छन्नी में रख दी थी, इसका पूरा पानी निकाल ली हूँ। अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लूँगी। और हाई फ्लेम पर 3 मिनट तक इसे भून ली हूँ और देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, 4 मीडियम साइज का प्याज लेकर उसे पतला पतला काट ली थी, उसे डाल दूँगी। 5 हरा मिर्च ले ली हूँ, जिससे मैं बीच से कट लगा ली हूँ, इसे डाल दूँगी। और 1 छोटा चम्मच नमक डाल दूँगी, जिससे हमारा प्याज जल्दी से गल जाएगा। अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। तो ढक दिए इसे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखूँगी। मीडियम आंच पर इसे पकाने से प्याज जो है वो अच्छे से गल जाएगा। तो लगभग 5 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए और प्याज लगभग गलने आए हैं। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर, तो 3 टमाटर ले रही थी, उसे मोटा मोटा ही काट ली हूँ, इसे डाल दूँगी। 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दूँगी। तो ध्यान रहे हमने पहले भी नमक डाला हुआ है, तो थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, इसे टमाटर हमारा जल्दी से गल जाएगा। मिला लेंगे इसे और ढककर मीडियम आंच पर फिर से इसे पका लेंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे टमाटर के गल जाने तक। तो ढक दी हूँ इसे और लगभग 3 मिनट हो चुके हैं टमाटर को डालकर पकाते हुए। तो मैं मिला लूँगी अच्छे से और अब मैं डालूँगी इसमें बाकी के मसाले। तो 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी, 1 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच डाल ली हूँ धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच डाल ली हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है, मसालों को हमें अच्छे से भुनना है। तो मिला दूंगी इसे और मीडियम आंच पर ही भून लूंगी मसालों को। मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद इसे ढक दूंगी और ढककर बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाले तले में लगे ना। और लगभग 3 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए और बीच बीच में मैं चला रही थी इसे 2 से 3 बार। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो अब मैं डालूंगी इसमें दही। तो 1 कप दही ले ली हूँ, इसे अच्छे से फेंट ली हूँ, इसे डाल दूंगी। ध्यान रहे दही हमारा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छे से मिला लूँगी इसे और मीडियम आंच पे दही को भून लेना है। तो ढककर भून ली थी, लगभग 3 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। दही भी हमारा अच्छे से भून चुका है, तो सारे मसाले भून चुके हैं और चिकन भी लगभग 80% तक पक गया है। तो मैं इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखने वाली हूँ, इसलिए इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसमें यहीं पर पानी डाल सकते हैं। थोड़ा कसूरी मेथी डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दी हूँ, 1 बड़ा चम्मच डालूंगी इसमें बटर और साथ में डालूंगी इसमें मलाई। तो मैं 4 बड़े चम्मच दूध की निकाली हुई मलाई डाल रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम डाल लें। सभी चीज़ों को मिला लूंगी। तो अब हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, तो इसे मिलाकर ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक और पका लूंगी। तो अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, ढक दी हूँ, ढककर पका लूँगी इसे। और 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, बीच में 1-2 बार चला ली थी और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा चिकन बनकर तैयार हो चुका है। और खुशबू तो इसकी बहुत ही लाजवाब आ रही है और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसमें थोड़ा और ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तैयार है, इसमें डाल दूँगी 3 हरा मिर्च, इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप तीखा खाते हैं तो ही डालें। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी और इसे मिला लूंगी और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पाकिस्तानी चिकन बनकर तैयार है, इसे सर्व कर लेंगे। और अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी परफेक्ट है कि नहीं। हो सकता है इसमें कुछ रह गया हो, क्योंकि मैं ये रेसिपी पहली बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बना बहुत ही टेस्टी है और खुशबू तो इसकी इतनी लाजवाब है कि जब आप बनाएंगे ना इसे तो पूरे मोहल्ले वाले पूछने आ जाएंगे कि क्या बना रहे हो, बहुत ही टेस्टी बना है ये। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।